आपका HT न्यूज बनेगा आपकी आवाज। पल पल के अपराधों से कराएंगे आपको रूबरू। नहीं होने देंगे किसी पे भी अत्याचार। हम हैं आपके साथ और देखते रहिए HT। बेटी देश की शान है, बेटी देश का अभिमान है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम। जिस प्रकार से लॉकडाउन खुलते ही अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए हैं, तो वहीं पर राजधानी से एक बड़ा मामला सामने आया है दहेज प्रताड़ना को लेकर के। बेटी को ही गायब कर दिया ससुराली जनों ने। तो देखिए किस प्रकार से पीड़ित परिवार गुहार लगा रहा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और राजधानी के पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे से कि उनकी बेटी को बरामद करके उन्हें न्याय दिलाने की कृपा करें। क्या हुआ उसकी बेटी के साथ में, किस प्रकार से प्रताड़ना की गई है उसके साथ में, तो आइए डालते हैं लखनऊ ब्यूरो चीफ विक्रम कश्यप की रिपोर्ट पर एक नजर। कोरोना महामारी और लॉकडाउन में जिस तरह से आम जनमानस ने काफी दिक्कतों का सामना किया, तो वहीं जिस तरह से लोगों ने शादी भी की, जहाँ शादी ये सोच करके कि उनकी बेटी उनकी बिटिया सुखी परिवार और अच्छा जीवन व्यतीत करने वाली। नमस्कार, मैं विक्रम आपका स्वागत करता हूँ हंगामा टाइम्स न्यूज में। ऐसा ही आज एक मामला आपको बताते हैं राजधानी के बंथरा का, जहाँ पर लॉकडाउन में बिटिया की शादी इस वजह से उन लोगों ने की कि गरीब परिवार था, काफ़ी राहत भी मिलेगी। और लेकिन वहीं पर आपको बता दें कि जिस तरह से उन लोगों ने मड़ियाओं में शादी की, उसके बाद से लगातार उनकी बेटी के द्वारा लगातार दहेज की मांग की गई। और पीड़ित परिवार आज हमारे साथ है, उन्हीं के परिचय के साथ जानेंगे कि पूरा प्रकरण क्या है, पूरा मामला क्या है और किस तरह से उनकी बेटी आज लापता है और वो लोग पुलिस प्रशासन के दर पर लगातार न्याय की गुहार लगा रहे हैं। मैडम, क्या नाम है? मेरा नाम साबिया है सर। तो क्या हुआ था, कब शादी हुई है? अगले महीने 4 तारीख को शादी हुई है, लॉकडाउन में शादी हुई मेरी बेटी की। साबिया, पति का क्या नाम है? जुम्मन। कहाँ की रहने वाली हैं? कटी बगिया थाना बंथरा जिला लखनऊ। शादी किसके साथ हुई थी, कहाँ पर? शादी मड़ियाव गांव में हुई, जलील के साथ हुई। जलील का नाम क्या है? शकील। अच्छा, शकील जी। जी, लॉकडाउन में किस डेट को शादी हुई? 4 तारीख को। 4-5 जी, 4-5 को। 4-5 जी। बात विवाद हो गई आपको? सर, शादी कर दिए, हम लोग गरीब थे, हमारी लड़की की लॉकडाउन में जल्दी जल्दी बोले शादी कर दो, रिश्ता हो गया पक्का, शादी हम लोग ने किया। उसके बाद लड़की मेरी गई, दूसरे ही रोज से उन लोग दहेज किए। मेरा दामाद कहने लगा मेरी बेटी से कि दहेज नहीं दिया तो क्या नकद भी नहीं दे सकते थे, क्या मोटरसाइकिल भी नहीं दे सकते थे, तुम्हारे माँ बाप इतने भी गरीब थे। तो हमारी लड़की कहने लगी कि पहले ही बातचीत जब मेरी माँ से बाप से हो गई थी कि मेरे पास कुछ नहीं, हम लोग तो ना गरीब हैं, बिल्कुल खिला पहना सकते हैं। तो कहने लगे ठीक है, अच्छा मेरी शादी हो गई, उसके बाद में सब बोल बाल के बात खत्म हो गई। मेरी लड़की सहते रही, जुल्म मारते रहे, पीपी के नशेबाजी कर करके डेली निकालते थे, डेली आफत होती थी। मेरी लड़की एक रोज मेरे पास फोन की, कहने लगी मम्मी कैसा रिश्ता करा दिया और किसके साथ मेरी शादी करा दी आप, जो ये लोग दहेज के भूखे थे, मोटरसाइकिल के भूखे थे, तो यहाँ क्यों इतना बड़ा बड़ा देख के कर दिया शादी। तो बोले अच्छा ठीक है बेटा, तुम सब्र करो, रहो, तुम्हारा घर वही है, ठीक से रहो, फिर देखा जाएगा। उसके बाद में मेरी बेटी को मारे पीटे, सब नाखून लगे पूरी गर्दन में, मेरी बेटी बहुत परेशान हुई, फिर कहने लगी मम्मी हमको ये लोग मार डालेंगे, आके ले जाओ। फिर हम दो बार गए लेने के लिए सर, तो वहाँ पे हम गए तो हमको वापस कर दिया गया, दोनों बार मेरी बेटी को भेजा नहीं गया। फिर मेरी बेटी कहने लगी कि फिर उसके बाद में हम गए तो मेरी बेटी उसी दिन जिस दिन गए उसी दिन कहने लगी मम्मी तुम आ जाओ सुबह ही। फिर हम गए, कहने लगी मेरा हमको बहुत मारी ने जो हम आपसे बता दिए, वो जलील ने मारा, बंद करके दरवाजा मारे, उनके पति ने मारा। दहेज की मांग जो करते थे जी, उनके परिवार में कौन कौन मांग करते थे? उनके सभा हैं और गुड़िया और जलील और कफील। सभा कौन है? सभा उनकी ननद है। और जमीन? जी, वो ससुर है, शकील ससुर है। अच्छा। और लगातार दहेज की मांग करते थे और सभा सर कहती थी कि तुमको मरवा के डाल देंगे, इतनी मेरे पास नोट है, तुम्हारे माँ बाप कुछ नहीं कर पाएंगे और तुमको मरवा के गड़वा देंगे, गड्डी है मेरे पास, हम गड्डी लगा सकते हैं। अच्छा, लड़की को आप लोग लेकर आए तो क्या क्या जी? फिर हमारे पास फोन आया, कहने मम्मी ले जाओ, तो फिर हम गए, लड़की को 12 जोड़ी से 2-4 लोग को साथ में लेके गए, लड़की को अपनी हम लेके आ गए, जबरदस्ती लेके आए। तो उसके बाद में मेरी लड़की 3 रोज भी नहीं रुकी, जिस दिन आ रही है हम लोग रास्ते ही में है, फोन पे फोन आने लगे
जब फोन पे फोन आने लगे, कहने लगे कि कल ही आ जाओ, वहाँ रुकना नहीं। तो निशा कहने लगी कि दो रोज हम रुकेंगे, कहीं दो रोज ना रुकना, एक रोज रुक के आ जाना। तो फिर हम फोन ले लिए, बोले चुपके रख दो। उसके दूसरे रोज उनके मतलब आदमी का, जलील का फोन आने लगा, मेरे दामाद का और उनके ससुर का और उनकी ननद का, सबका फोन आने लगा कि इसीलिए भेजा था वहाँ मौज मस्ती करने के लिए, मैके गई हैं, तीन तीन रोज पड़ी रहेंगी। तो हम बोले अभी हम नहीं भेजेंगे, तीन चार रोज नहीं भेजेंगे। जैसे ही हम ये नाम लिए, तीसरे रोज सबा, गुड़िया और लल्ला, जलील और वो विक्की, सारे लोग हावी हो गए मेरे घर पे जाके। कहाँ घर पे आ गए हम, बंथरा आ गए। हमको बहुत परेशान करने लगे, मोहल्ले वालों को बुला बुला के चराहिन करने लगे, बेइज्जती करने लगे कि ये गरीब लोग बहुत नीच होते हैं। उसके बाद में हम लोग सबर कर लिए, फुसला बहला के बोले जाओ, फिर हम लड़की कल भेजेंगे दो चार लोग के बीच से। फिर सर हम उसको दो चार रोज उसको समझाएं बेटी को अपनी सब तरीके से। तो बेटी कहने लगी मम्मी हम जाएंगे उसी घर, लेकिन बता दो हमको मारेंगे नहीं और शराब नहीं पियेंगे। तो हम बोले अच्छा ठीक है, समझाया जाएगा। दो चार लोग जो शादी आदी कराए उन लोग से बताएं ये बात, तो उन लोग ने कहा कि कहने लगे फिर ये सब बात सुला समझौता हुई तो फिर विदाई हो गई लड़की। हाँ फिर उसके बाद में, हाँ उसके बाद में सब लोग समझा बुझा के कहने लगे बिटिया तुम क्या चाहती हो, कहीं हम जाना चाहते हैं लेकिन ये पी के हमको मारेंगे नहीं। हम 8 बजे लड़की को परसों संडे के दिन विदाई अपनी बेटी की कर दिए। हमारी बेटी परसों संडे के दिन 8 बजे विदाई किए, रात में वो लेके गए, एक भी कॉल नहीं किए, एक भी फोन नहीं किए जी। और मैं रोने लगी, मेरे पास मोबाइल नहीं, लोग जल्लाद किस्म के हैं, तो मेरा बेटा अपना सिम निकाल के फोन दे दिया। और उसके पास सिम जो है उनके घर का दिया हुआ था, तो मोबाइल छीन लिए थे, सिम रखे हुए थे, सिम वो डाल के मेरी बेटी मेरे पास। लड़की से बात हो रही है, लड़की का नहीं, लड़की मेरी लापते कर दी है, लड़की मेरी सर नहीं मिल रही है। हम मेरे पास नहीं, उन लोग ने कॉल किया उसके जी, कल 11:30-12 बजे उन्होंने फोन किया जो शादी कराए हैं उनके पास की निशा यहाँ फरार हो गई, निशा यहाँ पे है नहीं। आप लोगों का क्या कहना, क्या लगता है लड़की आपकी लापता है, क्या हुआ उसके साथ? मेरी लड़की को या तो ये लोग ने मार दिया या तो ये लोग ने कहीं छिपा दिया है। तो हम ये चाहते हैं, कौन सा थाना लगता है मरियाम में? थाना जानकीपुरम। गए थे आप लोग? जी हम लोग गए थे पुलिस के पास में और वहाँ पे एप्लीकेशन लिखा के डाले, मैडम से बोले हमको एक मोहर मार के इसकी फोटो कॉपी दे दीजिए, उन लोग ने नहीं दिया। अच्छा, मतलब आप जो है, आपका कहना है कि लड़की लापता है और हो सकता है कि इन लोगों ने उनकी हत्या कर दी है, तो आप पुलिस प्रशासन से क्या कार्रवाई चाहते हैं कि लगातार दहेज की मांग कर रहे थे, इनके ऊपर कार्रवाई हो, लड़की को ढूंढा जाए? मेरी लड़की को ढूंढ के लाया जाए, बस समाज जोड़ के इतना मेरा। तो लखनऊ कमिश्नर क्या गुहार लगाना चाहिए? बस हम यही गुहार लगाना चाहते हैं, मेरी लड़की सही सलामत जहाँ भी हो वहाँ ला दीजिए, बस समाज हाथ मदद करें, बस हाथ जोड़ के मेरी यही प्रार्थना है बस। और फिर क्या कार्रवाई चाहती है अपने? हम कुछ नहीं चाहते हैं, बस मेरी बेटी सही सलामत मेरे घर आना चाहिए, हमको मिलना चाहिए, बस सर यही हम चाहते हैं और उसके आगे हम कुछ नहीं चाहते। मेरी लड़की मिलना चाहिए, हम गरीबी में और हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको हमारी बेटी चाहिए बस। ठीक है, तो ये थी साबिया पीड़ित, जिन्होंने बताया कि जिस तरह से लॉकडाउन में इन्होंने शादी की थी अपनी बेटी की, ये सोच कर कि वो एक अच्छे परिवार में जा रही है, वो खुशहाल जिंदगी व्यतीत करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लगातार जिस लड़के से शादी हुई थी लगातार वो और उसका परिवार दहेज की मांग करता रहा, जहाँ पर इनके द्वारा जिस तरह से हाल ही में विदाई भी की गई लड़की की, फिर दूसरे ही दिन सूचना आती कि लड़की लापता है, तो वहीं पर जानकीपुरम थाने में मौके पर ही पीड़ित परिवार पहुंचा और पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार भी लगाया। देखना यह कि राजधानी के लखनऊ कमिश्नर और पुलिस प्रशासन इसमें किस तरह की कार्रवाई करता है और जो आरोपी परिवार है उस पर किस तरह की कार्रवाई करके उसे किस तरह की सज़ा, जिस तरह से पीड़ित परिवार लगातार लखनऊ कमिश्नर से न्याय की गुहार लगा रहा है और अपनी बेटी को सुरक्षित वापस चाहता है। विश्व मोहित के साथ मैं विक्रम, आपसे इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।